हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिजाइन न्यूमेरिकल्स ऑफ अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग ट्रिपिफाई आईसी। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वर्किंग एंड सर्किट डायग्राम ऑफ अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अभी हम डिजाइन न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। एग्जाम में हमेशा डिजाइन के न्यूमेरिकल्स आते ही है। सो फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट आर डिजाइन न्यूमेरिकल्स, सो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिजाइन अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विद दिस फ्रिक्वेंसी एंड दिस ड्यूटी साइकिल। तो आपको फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल दिया होगा और आपका जो गोल होगा वो होगा कि आपको पूरी सर्किट डायग्राम डिजाइन करनी है। ओके, तो सर्किट डायग्राम कैसे डिजाइन करेंगे? सर्किट डायग्राम में आपके क्या क्या आता है? आर ए, आर बी और सी। इसका मतलब आपको इनके वैल्यूज कैलकुलेट करना है और वो सर्किट डायग्राम प्रिपेयर करनी है। ओके, सो योर गोल विल बी फाइंडिंग वैल्यू ऑफ आर ए, आर बी एंड सी। सो ये डिजाइन न्यूमेरिकल्स में दो टाइप्स होते हैं, ड्यूटी साइकिल ग्रेटर देन 50% और ड्यूटी साइकिल लेस देन और इक्वल टू 50%। तो ड्यूटी साइकिल आपको पता ही होगा, ड्यूटी साइकिल मतलब टी ऑन अपॉन टी। ओके, मतलब आपकी ये जो पूरी टी है, टाइम पीरियड टी, इसमें ये जो टी ऑन है वो कितने परसेंट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी स्क्वायर वेव बनाई है तो इसमें 50-50% है टी ऑन टी ऑफ। ओके, तो ड्यूटी साइकिल मतलब क्या होता है? टी ऑन अपॉन टी का रेशो, आपके आउटपुट वेव फॉर्म में टी ऑन का प्रपोर्शन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, सो हम दोनों टाइप्स के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, ग्रेटर देन 50% एंड लेस देन इक्वल टू 50%। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इसका जो टी ऑन का फॉर्मूला है वो अलग है। अभी आप यहाँ पे टी ऑन समझो, नहीं तो टी सी समझो। सो आपने अगर मेरे थियोरी के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तब आउटपुट हाई होता है, और फिर कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होने लगता है तब आउटपुट लो हो जाता है। सो यहाँ पे ये जो टी सी टाइम है इतना, वही होता है टी ऑन। ओके, सो टी सी इज नथिंग बट टी ऑन। सो ये फॉर्मूला आप टी सी का समझो या टी ऑन का समझो, सो फर्क ये है कि यहाँ पे फॉर्मूला में आर बी है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे टी ऑफ का फॉर्मूला सेम है। सो ये इक्वेशंस आपको ध्यान में रखना है, कोई भी सम आए आपको यही इक्वेशंस लगने वाले हैं। ओके, सो अभी पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिजाइन एन अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग ट्रिपिफाई टाइमर आई सी फॉर आउटपुट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 kHz एंड ड्यूटी साइकिल ऑफ 75%। सो ये फर्स्ट सिनेरियो है जिसमें ड्यूटी साइकिल इज ग्रेटर देन 50%। ओके, इसमें पहले टी कैलकुलेट करेंगे। टी क्या है? टोटल टाइम पीरियड ऑफ योर आउटपुट। ओके, सो टी क्या होता है? इनवर्स ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 1 kHz, तो उसका इनवर्स आ गया 1 ms। तो आपका टोटल आउटपुट टाइम पीरियड क्या है? 1 ms। ओके, फिर इसके बाद हमें टी ऑन और टी ऑफ अलग अलग से निकालना है। तो ड्यूटी साइकिल क्या होती है? टी ऑन अपॉन टी। अभी हमारे पास ड्यूटी साइकिल अवेलेबल है और टाइम पीरियड अवेलेबल है, तो हम टी ऑन निकाल सकते हैं, टी को उस बाजू भेज दो। ड्यूटी साइकिल क्या है? 75%, मतलब 0.75, और टी अभी अभी हमने निकाला 1 ms। ओके, सो टी ऑन हो गया हमारा 0.75 ms। फिर टी ऑफ क्या होता है? टी ऑफ मतलब टी से टी ऑन को माइनस कर दो तो आपको टी ऑफ मिल जाएगा। सो टी क्या है? 1 ms। फिर टी ऑन अभी अभी निकाला, उसमें से ये माइनस कर दो तो टी ऑफ आ जाता है 0.25 ms। ओके, टी ऑन और टी ऑफ मिल गए। सो ये थी स्टेप वन, आपको टी निकालना है, टी ऑन और टी ऑफ निकालना है। ओके, अभी स्टेप टू क्या है? अभी स्टेप टू के लिए आपको ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, ये ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला कहाँ से आया? ये हमने थियरी वीडियोस में देखा था। ओके, तो अभी इस फॉर्मूला में ना ही हमें आर ए पता है, आर बी पता है। ओके, वो तो हमें ढूंढना ही है, हमें सिर्फ डी की वैल्यू पता है, ड्यूटी साइकिल पता है। ओके, सो वही मैंने यहाँ पे रखा है 75%। फिर ये जो डिनोमिनेटर में है वो वहाँ पे जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 0.75 आर ए और 0.75 इंटू टू 1.5 आर बी। ओके, ये 1.5 आर बी से 1 माइनस कर दो, आपका 0.5 आर बी आ जाएगा। ओके, फिर ये 1 आर ए से माइनस 0.75 कर दो, 0.25 आर ए आ जाएगा। ओके, सो हमें आर ए और आर बी का रिलेशन चाहिए, राइट? सो हम आर ए को अकेला यहाँ पे छोड़ देंगे, 0.25 को लेफ्ट साइड भेजा, सो आर ए इज इक्वल टू 2 आर बी। ओके, ये रिलेशन हमें मिल गया। अभी ये जो रिलेशन हमने फाइंड किया वो हमें टी ऑन के इक्वेशन में डालना है। ओके, तो ये टी ऑन का इक्वेशन है जिसमें आर ए और आर बी दोनों है, क्योंकि ड्यूटी साइकिल इज ग्रेटर देन 50%। तो ये जो आर ए है वो मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी 2 आर बी से। ओके, यहाँ पे वो रिप्लेस हो गया, फिर 2 आर बी प्लस आर बी 3 आर बी हो गया। सो हमारा ये अपडेटेड इक्वेशन आ गया टी ऑन का। सो हमें यहाँ पे आर बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू मतलब कैपेसिटर की वैल्यू अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे 0.1 μF अज्यूम करनी है। फिर इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल रह जाता है, वो है आर बी। ओके, सो 3 आर बी को छोड़ के मैंने सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा है। सो ये 0.693 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर 0.1 μF जो कि कैपेसिटर था वो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया है।
ओके यहाँ पे बस ये सिंप्लीफाई किया है मैंने, ये 3 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भेजा है और ये कैलकुलेटर पे डालना है, सो आपको आर भी मिल जाएगा 3.6 किलो ओम्स। ओके सो इस रिलेशन से हम आर ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे आर बी की वैल्यू पता है 3.6 के, उसको इंटू 2 कर दो आपको आर ए मिल जाएगा। ओके सो आपको आर ए मिल गया, आर बी मिल गया और सी की वैल्यू हमने अज्यूम की थी। ओके सो स्टेप 1 में आपने क्या किया, आपने टी निकाला, फिर आपने टी ऑन टी ऑफ निकाला। ओके टी ऑन टी ऑफ के वैल्यूज निकालने के बाद आपने आर ए और आर बी का रिलेशन फाइंड किया। ओके इसको फिर एक कोई इक्वेशन लेके उसमें सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके फिर सी की वैल्यू अज्यूम की और आर ए और आर बी निकाले। ओके सो इसके बाद आपको सर्किट ड्रॉ करना है। सर्किट ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ आर ए आर बी और सी की वैल्यू हमें लिख देनी है। तो ये जो कैपेसिटर होता है 0.01 माइक्रोफेरेड, जब हम वो फिफ्थ पिन यूज़ नहीं करते तब वो लगाना होता है। ये कैपेसिटर लगाते हैं टू बाईपास नॉइज और रिपल। ओके अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इसमें फ्रीक्वेंसी दी है 2 किलोहर्ट्ज और जो ड्यूटी साइकिल है वो है 50%। मतलब 50% ड्यूटी साइकिल मतलब क्या होती है, स्क्वायर वेव। ओके मतलब जिसका टी ऑन और टी ऑफ सेम है। ओके तो इस सिचुएशन में जो आर ए होता है वो आर बी से इक्वल होता है, ये थियोरी पार्ट में कवर हो चुका है। ओके इसका भी पहला स्टेप सेम है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है, टोटल टाइम पीरियड निकालना है। सो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 किलोहर्ट्ज, सो इसका 1/2 आ गया 0.5, 10^3 है तो वो ऊपर जाके 10^-3 होता है। सो टोटल टाइम पीरियड क्या आ गया, 0.5 मिली सेकेंड्स। जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% है, मैंने अभी बताया। सो टी ऑन और टी ऑफ दोनों सेम है, सो ये 0.5 में से आधा टी ऑन है और आधा टी ऑफ है। सो 0.25 मिली सेकेंड्स हमारे टी ऑन और टी ऑफ हो जाएंगे। अभी इस सिनेरियो में हमें आर ए और आर बी का इक्वेशन ऑलरेडी पता है। ओके सो पिछले समय क्या था, वो हमने डिराइव किया था जैसे आर ए इक्वल टू 2 आर बी था। अभी यहाँ पे वो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें वो अवेलेबल है। सो हम डायरेक्टली अभी टी ऑन के पास आ जाएंगे। सो टी ऑन हमें पता है, सी हम अज्यूम करने वाले हैं। सो इस इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल है, वो है आर ए। ओके सो मैंने टी ऑन जो अभी अभी निकाला था वो यहाँ पे रखा है 0.25 मिली सेकेंड। फिर ये जो सी है वो हम अज्यूम कर रहे हैं 0.1 माइक्रोफेरेड। ओके ये जो आर है वो यहाँ पे अकेला रखा है और बाकी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके आपको ये सिर्फ कैलकुलेटर में डालना है। ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे 10^-6 ले रहे हो क्योंकि ये 0.1 माइक्रोफेरेड है। ओके सो कैपेसिटर की वैल्यू -6 में आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो मिली सेकेंड है वो -3 में आ जाएगा। ये बातें ध्यान में रखनी है, जो यूनिट्स है उसको बराबर से कैलकुलेटर में डालना है। तो आप यहाँ पे ये कैलकुलेटर में डालने के बाद आपको आर ए मिल जाएगा और आर ए इज नथिंग बट आर बी। सो आर बी की वैल्यू भी हो जाएगी 3.6 के ओम्स। ओके और एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आर बी के पैरेलल में एक डायोड आती है। ओके सो ये सब हमने थियोरी पार्ट में कवर किया है। सो ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंग ही आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके फिर यहाँ पे हमने आर ए और आर बी के वैल्यू रख दिए, सी की वैल्यू रख दी, डायोड लगा दी और आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। ओके अभी एग्जाम्पल 3। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में ड्यूटी साइकिल क्या था, 75%, मतलब 50 से ज़्यादा था। फिर मैंने इक्वल टू 50 लिया था। अभी जो थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं वो है 40% वाला। ओके सो हम तीनों सिनेरियोस कवर कर रहे हैं। इस सब में जो फ्रीक्वेंसी दी है वो है 5 किलोहर्ट्ज और ड्यूटी साइकिल है 40%। सो फर्स्ट स्टेप इज टोटल टाइम पीरियड निकालो, सिंपल है। 5 किलोहर्ट्ज यहाँ पे रख दो, 0.2 मिलीसेकंड इज आवर टोटल टाइम पीरियड। ओके ड्यूटी साइकिल इज नथिंग बट टी ऑन अपॉन टी, टी को उधर भेज दोगे तो आपको टी ऑन का फॉर्मूला ये मिल जाएगा। हमें ड्यूटी साइकिल पता है 40%, मतलब 0.4, टी पता है 0.2 मिलीसेकंड, सो यहाँ पे टी ऑन क्या आ जाएगा, 0.08 मिलीसेकंड। ओके फिर टी ऑन को टी से माइनस कर दो, टी ऑफ मिल जाएगा, टी था 0.2 माइनस 0.08 अभी अभी निकाला, बन जाएगा 0.12 मिलीसेकंड। अभी इस समय हमें आर ए और आर बी का रिलेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये जो टी ऑन का फॉर्मूला है उसमें सिर्फ आर ए है और जो टी ऑफ का फॉर्मूला है उसमें सिर्फ आर बी है। ओके और ये टी ऑन और टी ऑफ हमें पता है और सी हम अज्यूम करने वाले हैं। ओके सो यहाँ पे सिंपली हमें आर ए को एक साइड लेके बाकी का सब कुछ कैलकुलेटर में डालना है और आर ए और आर बी निकालना है। सो टी ऑन हमारा आया था 0.08 मिलीसेकंड, राइट। फिर ये सी हमने अज्यूम किया है 0.1 माइक्रोफेरेड, राइट। फिर आर ए यहाँ पे आ जाता है 1.15 किलो ओम्स। सिमिलरली यहाँ पे ये जो टी ऑफ आया था वो आया था 0.12 मिलीसेकंड, राइट। यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किए थे दोनों, सिर्फ वो यहाँ पे रखे है, सी की वैल्यू यहाँ पे रखी है। सो आपको सिर्फ ये कैलकुलेटर में डालना है और आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है। ओके सो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो आर ए की वैल्यू है वो कम है आर बी से। सो व्हेन ड्यूटी साइकिल इज लेस देन 50%, आपकी आर ए की वैल्यू आर बी से कम आएगी। ओके सो इसका भी सर्किट सेम है, आर बी के पैरेलल एक डायोड आएगी, आर ए आर बी यहाँ पे रख देना है, सी लिख देना है,
बस आपका सर्किट इज रेडी। सो हमने तीनों टाइप के सम्स कवर कर दिया है। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व एनी डिजाइन न्यूमेरिकल ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर आईसी। सो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझे हैं। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये वीडियो थोड़ा फिर से देख लो। इफ़ यू गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन केयरफुली, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आपको ये क्लियर है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है, ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।